बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है इसको बनाने का। टाइम तो लगता है लेकिन मिठाई बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और काफी दिन तक खराब नहीं होती। इस मिठाई की खासियत यही है। और आजकल तो कहीं भी मिठाई के डिब्बे आते हैं तो उसमें एक लाइन तो ये डोडा बर्फी की होती होती है जी हाँ। है ना। ये डोडा बर्फी बना रहा हूँ। डोडा बर्फी बना रहे हो? अच्छा, ये क्या है, क्या डाल रहे हैं इसमें? ये मैं डाल रहा हूँ मोटा आटा है। अच्छा, और अंगूरी आटा है। अच्छा, अंगूरी आटा। अच्छा। अंकुरित बोलते हैं। अच्छा, है ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, डाल दीजिए आप। कितनी इसकी क्वांटिटी कितनी है? बस ये 80 ग्राम लेता हूँ और 30 ग्राम ये लेता हूँ, जैसे अंगूरी आटा 30 ग्राम लेता हूँ और मोटा 80 ग्राम लेता हूँ आटा। ठीक है, अब मैं दूध डालूंगा। चलिए ठीक है, आप दूध डालेंगे। हाँ जी, ये मैंने एक लीटर दूध का डाल दिया अभी। अच्छा, अब इसको मैं अच्छी तरह से पहले मिला लूंगा। अच्छा, साथ साथ मिक्स करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा दूध डाल के, जैसे कि इसका गांठ ना पड़े। अच्छा अच्छा, थोड़ा थोड़ा डालेंगे इसलिए दूध, है ना। हाँ जी। अच्छा, गैस अभी आपने ऑन नहीं करी है ना? पहले आप अच्छी अच्छी से घोल बना लेंगे। अच्छा, देखिए भैया इसको अच्छी तरह से ना पहले मिक्स कर रहे हैं, इन्होंने गैस नहीं जलाई है और थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डाल रहे हैं और इसको मिक्स कर रहे हैं ताकि इसमें कोई गुठली नहीं पड़ जाए। जी, इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध इसमें मिक्स किया जा रहा है। एक मिनट, अब ये सारा दूध एक साथ डाल रहे हैं भैया? हाँ जी मैं। अच्छा, पहले आपने मिक्स कर लिया अच्छे से, अच्छी से, और अब बाकी सारा दूध डाल दिया। हाँ, दूध कितना लिया आपने? 10 किलो दूध लिया हूँ। 10 किलो दूध लिया है। मैं भट्टी जला देता हूँ। अच्छा, भट्टी जला दी अभी इन्होंने। अब धीरे धीरे इसको उबालेंगे। अच्छा, फिर ये अपने आप फट जाएगा। फट जाएगा, इससे दूध फट जाएगा। धीरे धीरे उबाल। गैस की फ्लेम स्लो कर दी है ना, इसको लगातार चलाना है। हाँ जी, नहीं तो ये जम जाएगा नीचे। अच्छा, इसके लिए इसको थोड़ा थोड़ा चलाते रहे, थोड़ा थोड़ा चलाते रहे भैया। अब आपने बिल्कुल स्लो करके इसको छोड़ दिया है तो ये नीचे नहीं लग जाएगा क्या? नहीं, ये लगेगा नहीं। अच्छा, और धीरे धीरे अपने आप फट जाएगा। अपने आप फट जाएगा, छोड़ देंगे तो। अच्छा, भैया अब ये फटने लग गया है ना? हाँ जी, ये फटने लगा धीरे धीरे। अच्छा, अब इसको आप चलाएंगे नहीं थोड़ा देर? अच्छा, चलाएंगे नहीं, वैसे ही छोड़ देंगे। छोड़ देंगे इसको, एक बार चला के छोड़ देंगे इसको। अच्छा अच्छा, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? हाँ जी, अब इसको मैं ऐसे छोड़ूंगा घंटे डेढ़ घंटे में, ये अपने आप जलते जलते तैयार हो जाएगा। एक डेढ़ घंटे में लग जाएगा इसको अभी पकने में, मतलब उसके बाद आगे आप प्रोसीजर क्या है वो करेंगे ना? हाँ जी, ठीक है। और कितना गाढ़ा करेंगे इसको? अभी और गाढ़ा होगा थोड़ा सा, अभी थोड़ा और होगा गाढ़ा, तब डालेंगे इसमें बाकी चीजें। हाँ, बाकी चीजें और डालेंगे। काफी टाइम लगता है इस मिठाई को बनाने में? हाँ जी, काफी टाइम लगता है इसको बनाने में। गाढ़ा हो गया है ये। जी हाँ। अब क्या डालेंगे इसमें? इसमें मैं चीनी डालूंगा अभी। अच्छा, चीनी किस हिसाब से डालेगी? 150 ग्राम के हिसाब से डालेगी चीनी। अच्छा, 150 ग्राम एक किलो का हिसाब आप बता रहे हो, घर में जैसे हम बनाएं तो एक किलो में 150 ग्राम हम चीनी डाल देंगे। जी हाँ। तो यहाँ 10 किलो है, 10 किलो दूध का हम बना रहे हैं, तो आप कितनी चीनी डाल रहे हैं? मैं 1.5 किलो डाल रहा हूँ। 1.5 किलो चीनी डाल दीजिए। देखिए भैया ने अब चीनी डाल दी है इसमें, और चीनी भी अभी मेल्ट होगी तो अपना पानी छोड़ेगी, तो इसको और इसी तरीके से खिलाया जाएगा ताकि ये काफी गाढ़ा हो जाए। चल कर आया है, देखिए गेहूँ जो है इसके दाना दाना आ गया, क्योंकि भैया का हिलाने का जो इसका तरीका है वो बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे हिला रहे हैं, इसको गोल नहीं घुमा रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया इसका ये निकल कर आया है ये दाने। अब क्या डालेंगे भैया इसमें? मैं अभी इसमें घी डालूंगा। अच्छा, घी डालेंगे। जी हाँ।
घी क्या हिसाब से डालेंगे? बस 50 ग्राम हिसाब से डालता हूँ। 1 किलो में 50 ग्राम और 10 किलो में 500 ग्राम के हिसाब से? जी हाँ, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है इसको बनाने का। टाइम तो लगता है लेकिन मिठाई बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और काफी दिन तक खराब नहीं होती। इस मिठाई की खासियत यही है। और आजकल तो कहीं भी मिठाई के डिब्बे आते हैं तो उसमें एक लाइन तो ये ढोडा बर्फी की होती होती है जी हाँ, है ना। बनाने में भी बहुत मेहनत है इसको। नारियल अच्छा डालूंगा। नारियल का अच्छा है। देखिए भैया इसमें अब नारियल डाल रहे हैं। इसका टेस्ट भी इस मिठाई में बहुत अच्छा आता है। इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स किया जा रहा है। धीरे धीरे ये मिठाई जो बन रही है ये गाढ़ी होती जा रही है। अब देखते हैं लास्ट में भैया इसमें अब क्या डालने वाले हैं। घी छोड़ना शुरू हो गया है कढ़ाई में। बस काफी अच्छी बुनाई हो गई है। अभी ये तैयार हो गया। तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा व्हीट मोच लगा देंगे, थोड़ा सा इलायची पाउडर। अच्छा, अब इसमें भैया इलायची पाउडर डाल रहे हैं। ये इलायची का डोडा दाना है। दाना है, अच्छा दाना डलता है इसमें जी। ये क्या डाल रहे हैं भैया? ये थोड़ा इलायची पाउडर डाल रहा हूँ। अच्छा, आप ऊपर से पाउडर डाल रहे हैं। ये टेस्टी लाएगा। अच्छा, ये टेस्ट लाएगा इसमें। मैं अब अपना बन के तैयार हो चुका है। ये मैं आप डाल रहा हूँ ट्रे में। अच्छा, जमाने के लिए है ना? जमाने के लिए। ये अब मैं ऐसे ऐसे करके इसको जमा लेता हूँ। अच्छा, जिसको कटिंग करेंगे सजा के ट्रे में डाल के दे देंगे दुकान। अच्छा, कितना टाइम लग जाता है इसको सेट होने में? बस आधे घंटा तक। अच्छा, आधे घंटे में सेट हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। आजकल सर्दी भी है वैसे भी। हाँ जी, हाँ जी। देता हूँ। अच्छा, गार्निश के लिए? हाँ जी, देखने में अच्छा लगेगा। अच्छा, फिर बहुत बढ़िया। आपने इसमें कोई कलर नहीं डाला, कोई कोको पाउडर नहीं डाला, फिर भी इसका रंग इतना बढ़िया निकल कर आया है। जी हाँ, सारा बुनाई पर है जी। ये सब बुनाई की, बुनाई की कलाकारी है सारी जी, जी। अब देखिए काजू से इसको, काजू का जो टुकड़ा होता है ना उससे इसको गार्निश कर दिया और ये सेट हो गई है। तो इसके पीस काटने के लिए इसको काटा जा रहा है। और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी मिठाई जो है ये बनकर तैयार हुई है। इस मिठाई की खास बात ये है कि ये मिठाई ना कई कई दिन तक ख़राब नहीं होती। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर डिब्बों में एक लाइन इस डोडा बर्फी की ज़रूर होती है। और अब इनको पेपर के जो कप्स हैं उसमें लगाया जा रहा है एक एक पीस को। ट्रे तैयार हो गई है दुकान पर जाने के लिए। मिठाई बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, जिसमें नए तरीके से ये मिठाई बनाई गई है।